मुरादाबाद के थाना खड़गा क्षेत्र अंतर्गत गोविंद नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर क्षेत्रवासियों ने जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति रेड लाइन से गुजरने वाले सभी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था और उनसे पैसा मांगने की बात भी कर रहा था, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफ़ी रोष दिखाई दिया और सभी लोगों ने जमकर इसकी पिटाई भी की। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। ज़िले के गोविंदनगर इलाके में दो बदमाशों ने पैदल अपने घर जा रहे एक मजदूर को धारदार हथियार से घायल कर पैसे छीन लिए। साथ ही में जा रहे अन्य मजदूरों ने जब शोर मचाया तो स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। घटना कटघर थाना क्षेत्र की है। लोग दरअसल लॉकडाउन के कारण बिजनौर के चांदपुर इलाके में रहने वाले चार मजदूर रेलवे ट्रैक से होते हुए लखनऊ अपने घर जा रहे थे। जब वो मुरादाबाद के गोविंदनगर इलाके में पहुंचे तो दो बदमाशों ने उनमें से एक मजदूर को धारदार हथियार से कर घायल कर दिया और पैसे छीनकर भागने लगा। साथ ही जा रहे अन्य मजदूरों ने शोर मचाया तो स्थानीय लोगों ने भाग रहे दोनों बदमाशों में से एक को पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं पीड़ित मजदूर राम सिंह ने बताया कि वो रेलवे लाइन से होते हुए चांदपुर से पैदल अपने घर लखनऊ जा रहा था। जब वो गोविंद नगर पहुंचा तो दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर 1,000 रुपए छीन लिए। चांदपुर से क्या घटना घटी आपके साथ? चाकू मारा, पैसे लेके भागा। कितने पैसे लेके भागा? 1,000 रुपए। मोबाइल भी तो छीना था। और क्या क्या छीना? क्या चाहते हो आप?